हेलो दोस्तों, दोस्तों देखिए मेरे पास प्रिंटर है ब्रदर DCP T520W का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये प्रिंटर का पूरा सेटअप कैसे करना है, कैसे क्या सेटअप रहता है, और अगर किसी कारण आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, सही से सेटअप नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आप देख के जो है उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और नीचे हमें जो है एक प्रिंटर, यही प्रिंटर का मैंने रिव्यू किया था, तो उस वीडियो में किसी ने जो है मुझे पूछा था कि इस प्रिंटर में कितना पेज प्रिंट किया, कौन सा पेज प्रिंट किया, कलर ब्लैक एंड वाइट, उसको कैसे डिटेल्स में चेक करें, तो वो भी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले इधर हम पूरा बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहला नंबर ऑप्शन में ये आपको दिखने को मिलता है। यहाँ पे जो है इसमें दो तरह का ऑप्शन आपको मिलता है, किस तरह आपको रखना है फिट टू पेज, और फिर किस तरह आपको पेपर का साइज रखना है, वो यहाँ पर आप इसको जो है कर सकते हैं। यानी कि जो पेपर का जो साइज रहता है वो आपको पूरा फुल स्कैन करना है या फिर आधा स्कैन करना है, कितना स्कैन करना है, वो इस उसको ऑप्शन जो है इसमें आपका रहेगा। बाकी बात दूसरा नंबर में जो है आपका प्रिंट क्वालिटी का आता है। यहाँ पे आप नॉर्मल जो है आपका ये नॉर्मल रहेगा, और फिर आपका यहाँ पे देखिए बेस्ट क्वालिटी रहेगा। कुछ भी आप प्रिंट करते हैं, जेरोक्स करते हैं, तो उसका क्वालिटी कैसा रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल वो बेस्ट, दो तरह का ऑप्शन मिलता है, तो आपको जो भी चाहिए उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए कॉपी और स्कैन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर भी जो है आपको लेआउट का ऑप्शन मिल रहा है और क्वालिटी का भी ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे पेपर टाइप का भी ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा जो है पेपर साइज रखना है, तो ये भी यहाँ पे आप अपने अनुसार उसको जो है सेटअप कर लें। और ये आपका जो वाईफाई बटन है इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो फिर आपका जो है ये हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा, और फिर आपका मोबाइल फ़ोन से जो है वाईफाई जो है प्रेस करके कनेक्ट कर सकते हैं और फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो वैसे वाईफाई से कैसे प्रिंट कर सकते हैं कनेक्ट करके, उसके लिए भी हम मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ से जो है ये आपका प्लस माइनस जो है दोस्तों, यहाँ से जो है यहाँ पे देखिए अगर कोई भी पेपर आप जेरोक्स कर रहे हैं, कोई भी पेपर आप जेरोक्स करना चाहते हैं तो उसका आप निकालना चाहते हैं एक ही साथ में, अगर किसी का 100 कॉपी निकालना है, 50 कॉपी निकालना है, तो यहाँ से जो है उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे 20 कॉपी निकालना है तो यहाँ पे 20 कर लेंगे और प्रेस कर देंगे। कलर निकालना है तो ये नीचे में करेंगे, और अगर ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो मोनो पे क्लिक करेंगे, तो फिर ये मेरा जो है 20 पेज ऑटोमेटिक जो है अपने आप ये मेरा प्रिंट और जेरोक्स जो भी है वो आपका होते रहेगा, और यहाँ से आप जो है कम भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर फिर आपका आता है यहाँ पर मेनू पे, अगर आप मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मेंटेनेंस का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है मेंटेनेंस में यहाँ पे देखेंगे ये मेनू पे क्लिक करें तो मेंटेनेंस आया, और यहाँ पे आप इसको जो है माइनस करके यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको इसमें सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए आपको ये आपको हम फिर से इसको दिखाते हैं, देखिए मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये क्वालिटी का जो है, अगर किसी कारण आपका प्रिंट का जो हेड अगर जो है जाम हो जाता है, या फिर जो पाइप का जो इंक है उसमें जो है पाइप का इंक में इंक नहीं रहने के कारण किसी कारण प्रिंट सही से नहीं होता, तो यहाँ पे क्लीनिंग करके उसको जो है आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लीन रोलर भी है, इसको भी आप रोलर को भी क्लीन कर सकते हैं अगर किसी भी तरह से आपका प्रिंट क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे जो है इंक बोतल का भी मोड है, ये सब जो है दोस्तों किसी के कारण अगर मशीन में प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, तो यहाँ से जो है उसको आप खुद से जो है बटन से ही उसको सेटअप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन मिल रहा है, ये मेंटेनेंस हो गया, फिर जनरल सेटअप हो गया, कॉपी का ऑप्शन मिल गया, फिर नेटवर्क का ऑप्शन है, फिर आपका प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन है। ये आपका प्रिंट रिपोर्ट वो है दोस्तों जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि आप जब से मशीन ली है तब से लेकर अभी तक आपने कितना पेज जो है ये मशीन से प्रिंट किया है, कितना कलर किया है, कितना ब्लैक एंड वाइट किया है, और कितना आपका जो है आप प्रिंट आउट निकालें, तो इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। प्रिंट रिपोर्ट में ओके क्लिक करते हैं, यूजर सेटिंग में फिर से ओके क्लिक करते हैं, और प्रेस जो है हम इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर देखिए इसको हम क्लिक कर दिए, ये मेरा देखिए प्रिंट हो रहा है और प्रिंट हो निकल रहा है, और फिर इसमें मेरा पूरी डिटेल्स रहेगा कि मैंने आज तक जो है कितना जो है प्रिंट किया। तो चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बारीकी से आपको देख सकते हैं कि ये मैंने जो है मेरा यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है कि मैंने इसको कब जो है स्टार्ट किया है ये प्रिंट को यूज़ करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मेरा टाइम उम सब है। यहाँ पे देखिए टोटल कलर जो है मेरा 4533 पेज मैंने जो प्रिंट किया, कलर मैंने 86 किया है,
मोनो कॉपी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट मैंने 2779 किया, प्रिंट 706 किया। तो टोटल यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में देखने को मिल जाता है। इसी तरह आप भी अपना प्रिंटर का पूरी डिटेल्स में चेक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो है दोस्तों किसी कारण अगर आपका प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से जो है आप उसको सेट कर सकते हैं। देखिए मशीन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये इनरल सेटअप है। तो इसी तरह यहाँ पे ये सब जो है मशीन को आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं वो है। ये स्कैन है दोस्तों, ये बटन प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से जो है ये आपका स्कैन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये जो है आपका कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा। तो डायरेक्ट जो है आप कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा, कंप्यूटर ऑन रहेगा। जैसे ही ये इसको आप प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे जो है इसको फिर इस तरह स्कैन टू पीसी आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ये मोनो पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट आपका स्कैन होकर स्क्रीन पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर आपका कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर में स्कैन होकर डायरेक्ट आपका आ जाएगा। सिर्फ आपका कनेक्ट रहना चाहिए और बटन प्रेस करिए, ऑटोमेटिक जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। और इससे आपका जो है ये ऑफ ऑन होता है जब भी आप प्रिंटर फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, तो ये आपका ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है। फिर से इसको जो है प्रेस करके रखना पड़ता है और फिर से जो है ये ऑफ जो है ऑफ से ऑन हो जाता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों जब भी आप प्रिंटर को ऑफ करें तो ये बटन को पहले शट डाउन कर लें प्रेस करके, तो ही जो है इसको आप करें तो आपका जो है प्रिंटर का जो है सही रहेगा।